किसान भाइयों नमस्कार, मैं सत्यवीर सिंह नेचुरल फार्मिंग से, जो कि अब सत्या नेचुरल्स हो गया है, हमारी जो कंपनी का नाम है वो सत्या नेचुरल्स है अब, तो आप लोगों से प्रार्थना करेंगे कि थोड़ा सा हमारे चैनल पे आते रहें, सब्सक्राइब कर लें, लोगों को शेयर करें। और आज का जो विषय है वो है कि आप पपीता के पौधे जो लगाते हैं उसके लिए बेड किस तरह से बनाएं, आप गड्ढे किस तरह से कूदें, आप डिस्टेंस कितना रखें, मिक्सचर क्या भरें उसके अंदर, और उसकी खेत की तैयारी जो किस तरह से करें, तो थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे। अभी आज का विषय ये, सबसे पहले ज़रूरी काम लोगों को ये है कि खेत में जुताई करने के बाद बेड कैसे बनाएं। अभी तक लोगों को समस्या यही आती है कि सबसे पहले भी बेड बनाना किस तरह से है, और वो आता नहीं है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा आप लोगों को, जहाँ जैसे भी आपका खेत का कोई भी शेप है, सबसे पहले आप साइड में 1 से 2 फीट 2.5 फीट जो है इस तरह की जगह छोड़ दें, और ट्रैक्टर ले लें, जिससे हमारा मंजी बनाते हैं, मेड बनाते हैं, इस तरह की डॉली बनाते हैं हम, इस तरह की डॉली बना लें खेत के साथ साथ में 2 फीट दूर पे, इस तरह की डॉली बना लें। ये सैंपल है मतलब आपके लिए, आप इससे पूरे खेत में नहीं बनाया गया है, बट ये कुछ एरिया में हमने बना दिया है ताकि आपको आइडिया आ जाए। ये मेड है खेत की, यहाँ से करीब ये 2 से 2.5 फीट की दूरी पे है यहाँ पे ये, तो हम जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ये करीब 2.5 फीट की जगह है करीब, यहाँ पे ये 2.5 फीट पे करीब आ रहा है ये, तो करीब हमने इसको इतनी दूर रखा है ताकि पौधा फैलेगा तो यहाँ तक फैलेगा, दूसरे के बाहर मोटा मोटी नहीं जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये हमने डॉली बनाई है इस तरह की, आप इसे ट्रैक्टर से बना सकते हैं, मंजी से, फावड़े से, खुद से बना सकते हैं, और ऐसे बना लेनी चाहिए आपको सबसे पहले। और जो आपकी हाइट है वो ज़मीन से, जो ज़मीन का इसका लेवल है आपका, लेवल से करीब 1 फीट होनी चाहिए। इसको ऐसे ना देखें कि ये हाइट कितनी है, इसको ऐसे देखें कि भाई आपको ज़मीन से 1 फीट ऊंची हाइट करीब करीब रखनी है। बट अब आप देखेंगे इसके अंदर के ये जो बेड है आपकी, इसकी ऊपर से ये आपका चोंच बनी हुई है, बट इसको हमें क्या फ्लैट बनाना है, और फ्लैट कितना रखना है, करीब 1.5 फीट चौड़ा करना है इसको। तो अब हम इसमें फावड़े मार के इसको चौड़ा करेंगे, इसको थोड़ा चौड़ा करो, करीब 1.5 फीट चौड़ा हो जाए, इसको फैलाओ आप इस तरह से कि यहाँ पर हमारा ये करीब ये 1.5 फीट आ रहा है, तो इसको चौड़ा करो, रुको, ऐसे नहीं, ऐसे खाली फावड़ा मारेंगे तो 1.5 फीट नहीं बनेगा, मिट्टी को थोड़ा सा फैलाओ, करीब 1.5 फीट चौड़ा बनाना है ऐसे, इस तरह से, ये इतने से इस तरह से 1.5 फीट चौड़ा हो जाएगा। हाइट भले ही अब मेरी कम हो जाएगी, पर जो चौड़ाई है मेरी वो 1.5 फीट होनी चाहिए। आप इस तरह से फैलाओ इसे, ये 1.5 फीट चौड़ा हमें करना है इस तरह से, चौड़ाई जो है, हाइट जो है इस। ये करीब 1.5 फीट चौड़ा हो गया बेड। अब इसकी हाइट जो है बेड की करीब 6-7 इंच आपको दिख रही होगी, तो इसको ऐसे ना देखें कहीं ये 6 इंच होगा, कहीं 8 इंच होगा, कहीं 1 फिट होगा, बट मोटा मोटी हमें 1 फिट हाइट रखनी चाहिए इसकी। तो और ज़्यादा ऊंचा बनाएं, बट हम ये सैंपल के लिए बना रहे हैं। तो अब आप ये समझेंगे कि आपको जो 6 फिट की दूरी रखनी है, 6 फिट की दूरी किस तरह से रखनी है, वो पौधे से पौधे की 6 फिट रखनी है, इस तरह से। हम यहाँ पे गड्ढा खोदेंगे तो 6 फिट की जो डिस्टेंस है हमारी, वो पौधे से पौधे की होनी चाहिए। ये यहाँ पे 6 फिट आ रहा है, तो हमारा डिस्टेंस जो है वो इस तरह 6 फिट होना चाहिए, मतलब गड्ढे का बीच का, इसका जो बेड का सेंटर है, बेड का सेंटर मीन्स यहाँ पे ये बेड का जो सेंटर है, इस तरह सेंटर जो होगा, इस तरह मैं इसको सेंटर पकड़ रहा हूँ, बेड का जो सेंटर है, बीच जो बेड का सेंटर, ये वाला, इसी तरह ये वाले बेड का सेंटर, ये बेड का सेंटर। अब जो ये सेंटर है बेड का, इस सेंटर से सेंटर की दूरी 6 फिट होनी चाहिए, ये बेड का सेंटर है, तो इससे और इसकी दूरी जो है हमारी, ये 6 फिट होनी चाहिए, यहाँ पे हमारा ये 6 फिट आनी चाहिए, बेड से ये 6 फिट आ रही है, तो बेड का सेंटर टू सेंटर 6 फिट होना चाहिए। अब हम इसके अंदर गड्ढा खोदेंगे, तो गड्ढा खोदेंगे तो ये बेड बिगड़ जाएगा, आप गड्ढा खोदो इसके अंदर, 1 फिट गहरा गड्ढा खोदना है, खोद लो, कोई बात नहीं, बिगड़ जाएगा, बिगड़ने दो।
चाह रहे हैं आपको कि ये जो बेड की हाइट है हमारी, बेड की हाइट मान लो ये हमारी 3 इंच 4 इंच 5 इंच है, बट जो बेड की हाइट है वो करीब 6 इंच 1 फिट होनी चाहिए, और जो बेड की हाइट के अलावा जो गड्ढे की हाइट गड्ढा है वो 1 फिट जाना चाहिए गहरा। अभी क्या है ये 1 फिट से ज़्यादा है, तो 1 फिट से ये कितना हो गया यहाँ पर, ये करीब आपका ये 19 इंच हो गया, मतलब 1.5 फिट से ज़्यादा है। इट मीन्स जो गड्ढा है मेरा वो 1 फिट है और जो बेड की हाइट है वो करीब 6 इंच है, तो मैं मतलब इसको करीब ये 1.5 फिट खोद दिया हूँ। पर अगर बेड की हाइट मेरी 1 फिट हो जाएगी और ऊपर इस लेवल से अगर बेड की हाइट मेरी 1 फिट होगी, 1 फिट मतलब इतनी हाइट अगर बेड की मेरी होती है ये वाली हाइट, तो इस हाइट के बाद में ये 1 फिट के बाद में नीचे गड्ढा हमारा 1 फिट होना चाहिए और टोटल हाइट लगा के 2 फिट होना चाहिए गड्ढा हमारा। बट अगर आप इसे हाइट को कम रख रहे हैं बेड की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बेड कम ऊंचा रह जाएगा, पर जो गड्ढे की हाइट है आपकी इस बेड के लेवल से नीचे 1 फिट होनी चाहिए। इस बेड के लेवल से बेड की हाइट अगर 6 इंच है तो आपकी जो गड्ढा है वो इंच आपका 18 इंच का होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जो मेरा आ रहा है ये करीब 18 इंच के आसपास आ रहा है, इट मीन्स मेरा जो बेड की हाइट है वो करीब 6 इंच है और जो गड्ढे की हाइट है वो 1 फिट के करीब है। तो इस तरह से आपने इस गड्ढे को खोदना है। अब मैं दूसरे वाला जो गड्ढा खोदूंगा वो भी मैं सामने इसी तरह से खोदूंगा, इसके सामने यहाँ पे आप गड्ढा खोदेंगे। अब मैंने गहराई वाली बात आपको समझा दी उधर, अब मैं समझाऊंगा आपको कि जो आपको विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। वो ये सेंटर टू सेंटर, गड्ढे का सेंटर टू सेंटर ये 6 फीट आनी चाहिए आपकी, गड्ढे का सेंटर टू सेंटर जो है वो 6 फीट आना चाहिए। मतलब मोटा मोटी गड्ढे के सेंटर पे पकड़ो और ये वाला सेंटर है आपका, तो दोनों के बीच की दूरी जो है ये 6 फीट होनी चाहिए। ऐसे नहीं नापना है कहीं आप यहाँ से नापें आप इसे या इधर की साइड से नापें, ऐसे नहीं नापना कहीं आप यहाँ से नाप रहे हों तो भी मैं 6 फिट यहाँ से नापूँ इसको भी, ये नहीं ना। आपको इस तरह नापना है, ये भी 6 फिट, ये इस तरह भी नहीं नापना। आपको गड्ढे का सेंटर टू सेंटर नापना है, यहाँ का गड्ढे का सेंटर टू सेंटर, वो उधर गड्ढे के सेंटर में है यहाँ भी सेंटर में है, तो ये आपका गड्ढे का सेंटर टू सेंटर नापना है। तो ये 6 फिट होना चाहिए, ये 6 फिट है, यहाँ 6 फिट आ रहा है गड्ढे का सेंटर, उधर सेंटर है, तो दोनों का मिला के 6 फिट आना चाहिए। अगर आप इसे अब ऐसे नापेंगे आगे यहाँ पे, तो ये गड्ढे का सेंटर से लेके और यहाँ पे 6 फिट आ रहा है, तो मेरा गड्ढा अगला यहाँ खुदेगा सेंटर, और सेंटर इस तरह बनाना है मैंने कि मेरा गड्ढे का जो सेंटर है वो यहाँ पकड़ना है मैंने, ये 6 फिट होना चाहिए, बीच में आना चाहिए मेरे गड्ढे के। तो इस तरह से जो डिस्टेंस आ रही है इसको आप मार्किंग कर लेंगे और मार्किंग करके लेबर को बता देंगे भी इस तरह से मैंने ये गड्ढे खोदने हैं। तो मतलब जो है आपका डिस्टेंस दोनों साइड से, अगर आप इधर से नापेंगे तब भी 6 फिट होगा, इधर से नापेंगे तब भी 6 फिट होगा, 6x6 पे आपने गड्ढे बनाने हैं। अब क्या होगा इससे आगे, अब हम इसके अंदर मिक्सचर भरेंगे। मिक्सचर हम 3-4 चीज़ों का भरते हैं, वो बता देते हैं सबको, कुछ जो उसके अंदर दवाई वगैरह डालनी है वो भी हम बता देते हैं। पर आपको ये चीज़ का ध्यान देना है कि जो भी मिक्सचर भरेंगे, गोबर की खाद है, हमारा खेत की मिट्टी है, आपको रेत वगैरह है, हमारा कॉकपीट है, आपको वर्मी कंपोस्ट है, या आपकी गली सड़ी खाद है, जो भी चीज़ें हम भरेंगे वो सारी चीज़ें हम समझा देते हैं आपको। बट जो भरना है वो भरना किस तरह से है, आप इन 3-4 चीज़ों को ले लेंगे और गड्ढे के बाहर मिला लेंगे, गड्ढे के बाहर इनको सारी चीज़ों को मिला लेंगे, मिलाने के बाद इसी गड्ढे में इसको वापस भर देंगे। बट उससे पहले क्या करना है, इसमें नीचे वेस्ट डीकम्पोजर का घोल डालना है, शुरू में वेस्ट डीकम्पोजर का घोल डाल दो और फिर इस गड्ढे का में जो मिक्सचर है हमारा, इस मिक्सचर को वापस से इन सारी चीज़ों का जो बताया है उसे दोबारा से गड्ढे में भर देंगे। अब मैं इसे दोबारा से गड्ढे में भरवाऊंगा, ये ना देखें कि हम क्या भर रहे हैं, ये तो मैं खेत की मिट्टी भरवा रहा हूँ, मिक्सचर मैंने नहीं भर रहा है इस जगह पर, बट आप उसे मिक्सचर भरें, सारी चीज़ों को मिला के इस गड्ढे के अंदर भर दें। आप इसको भरो दोबारा, यही मिट्टी को वापस से, कुछ इधर से ले लियो कुछ उधर से ले लो, इसे आप ये समझें कि ये हम इसके अंदर ये वाला मिक्सचर भर रहे हैं। आप ये ना समझें कि मैंने वही मिट्टी भर दी है, ये तो मैं बस सैंपल के लिए आपको समझा रहा हूँ भरना कितना है, किस तरह से गड्ढा, बस 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 हो गया। अब क्या है कि मेरा बेड जो है, मेरा बेड इधर की साइड है और उधर की साइड है, ये तो बेड आपका बना रहेगा, ये तो ख़राब नहीं होगा, जो ये साइडें हैं आपकी ये ख़राब हो जाएंगी। इन साइडों को आपको सही कैसे भरना है आपने, कि इसको इस बेड के लेवल तक, जो ये बेड का लेवल है इसके लेवल तक मिट्टी भर देनी है, साइड में मिट्टी खड़ी कर दो, खेत की मिट्टी जो है बेड के लेवल तक,
ये मैंने बेड के लेवल तक, जो मेरे ये बेड का लेवल है इस लेवल तक मिट्टी खड़ी कर दी। उधर से भी मैं मिट्टी खड़ी कर देता हूँ बेड के लेवल तक। ये मैंने बेड के लेवल तक, अब इधर मेरा बेड बना हुआ है, इधर मेरा गड्ढा जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, पर मैंने जो मिक्सचर है मेरा वो भर दिया इसके अंदर। और मिक्सचर भरने के बाद में मेरे इतना खाली छोड़ देंगे इसको, ये मैं इसको भर रहा हूँ अभी, ये मिक्सचर भर गया मेरा। अब मैं इसको इतना खाली छोड़ दूँगा, मैंने इसको ज़मीन के लेवल तक भर दिया, बेड की हाइट ऊपर रख ली। बाकी आपको सिर्फ इतना चार उंगल पाँच उंगल मतलब 3-4 इंच तक इसको गहरा छोड़ना है चारों तरफ से। बेड की हाइट ज़्यादा होगी तो आप उसे ऊपर तक ले आएंगे और भरते हुए मतलब ऊपर से 4-5 इंच आपको नीचे छोड़ देना है, 4-5 इंच की गहरी, जैसे मैंने अभी यहाँ पे छोड़ दिए। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर आप बाल्टी से डब्बे से जो भी डालना चाहें, 4-6 डब्बा 4-6 लीटर एक बाल्टी जितना भी है आपके पास, इस गड्ढे को पूरा तर कर देंगे पानी से, पानी से पूरा हम तर कर देंगे इस गड्ढे को। जब पानी से ये तर हो जाएगा पूरी तरह से, तो हम पपीता का जब पौधा होगा हमारे पास में, एक पौधा लेके आओ, कोई है यहाँ पपीता का पौधा बनने वाला बताओ भाई, एक काम, तो हम पपीता का पौधा लगाएंगे। ये मेरे पास पपीता का पौधा नहीं है अभी इस टाइम पे इस जगह पे, बट मैं पपीता का पौधा जिस टाइम लगाऊंगा वो भी मैं आपको दूसरी जगह शेयर कर दूंगा, पर मोटा मोटी आप समझे कि मेरे हाथ में ये पपीता का पौधा है। अब मैंने ये पौधा लगाना है, तो पौधा लगाने का तरीका क्या होगा कि ये बेड में मैंने पानी डाल दिया और ये मिट्टी भुरभुरी होगी, तो मैंने कुछ नहीं करना है इसमें, कोई फावड़ा नहीं बजाना, कुछ नहीं करना है, बस आपको हाथ से इस तरह से इसको खोद लेना है ऐसे इतनी हाइट तक, क्योंकि जैसे हमारे पास पौधा जिस तरह का ही होगा इतनी मिट्टी होगी उसके अंदर, कॉकपीट होगी या मिट्टी होगी, इसको बस लेके हम यहाँ से इतना बिठा देंगे। ये मैंने इसके अंदर ये मिक्सचर ऐसे भर दिया, ये पौधा मेरा यहाँ पे पपीता का पौधा बैठ गया। इसमें साथ के साथ मैं पानी दे दूंगा, पर ये ध्यान रखेंगे कि जब भी इसकी शेप बना रहे होंगे आप थोड़ी सी, तो वो इस तरह की बनाएंगे कि आप 1 लीटर या 0.5 लीटर भी पानी डालें इसके अंदर, तो ये पानी इसके अंदर यहीं पे ही ठहर जाए। मतलब आप इसे गमले की शेप में बनाएंगे, शुरू में शुरुआत जो करेंगे वो गमले की शेप में करेंगे ऐसे। अब आप पानी कहीं से भी डालेंगे इसके अंदर तो ये इसकी जड़ पे पानी आ जाएगा, ये इसकी जड़ पे पानी आ जाएगा, ये इस शेप में आप पौधे को लगाएंगे। मतलब यहाँ पे आप कहीं भी पानी डालेंगे तो इसके ऊपर पानी आएगा। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, इसके अंदर हम ये नहीं रखते कभी भी, ये ध्यान रखें इसके, कि पौधे पपीता के जड़ पे पानी नहीं डाला जाता, पर 1-1.5 महीने तक इस तरह रहेगा। फिर हम इसको मिट्टी से यहाँ से इसको ये भरते चले जाएंगे, कुछ बाहर की मिट्टी ले लेंगे और ये जड़ के साथ साथ मिट्टी चढ़ाते जाएंगे। जैसे ही पौधा बड़ा होता जाएगा इसके साथ साथ मिट्टी चढ़ाते जाएंगे और पानी जो है वो साइडों में देंगे, मतलब इसके ऊपर पानी नहीं देंगे, इस तरह से ये बढ़ाते हम इसको चले जाएंगे। ये करने के बाद में हम इसमें फिर पानी दे देंगे। मतलब मैं दोबारा आपको एग्जांपल से और समझाता हूँ कि मान लो मैंने ये पौधा लगा दिया, तो मैं इसको जो बेड है मेरा जो इसको इस तरह से रखूँगा ताकि मैं इसके अंदर 0.5 लीटर भी पानी डालूं तो वो जड़ के ऊपर जाए, मतलब गमले की शेप में मैं इसको बनाऊंगा शुरू में ऐसे। अब इसके अंदर मैं पानी दूंगा, पानी डालो साइड में जड़ पे नहीं डालना, हाँ ऐसे हम इसको पानी दे देंगे, हाँ गड्ढा ना बने, बस हो गया। इतना पानी आप इसको एक बार में 1 लीटर के करीब पानी दे दोगे, इससे ये पौधे की जड़ सेट हो जाएगी। फिर आपको रोज़ पानी देना है इसको, रोज़ पानी देने के बाद में फिर जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा तो हम इसको फिर बढ़ाते चले जाएंगे और इसको इसके साथ मिट्टी चढ़ाते चले जाएंगे ऐसे, जैसे बड़ा होता जाएगा पौधा ये मिट्टी इसके साथ साथ चढ़ाते चले जाएंगे। और जब मिट्टी इसके साथ चढ़ाते चले जाएंगे तो ये यहाँ से इसकी जड़ जो है मजबूत होती चली जाएगी और पानी साइडों से देते चले जाएंगे, मतलब इसको ऊपर उठाते चले जाएंगे। बाकी डिटेल मैं आपको आगे वाले वीडियो में समझा दूंगा, बस छोड़ दीजिए। तो अब इस तरह से हम इसको ये लगाने का तरीका है हमारा, बाकी और डिटेल मैं आपको आगे के वीडियो में समझा दूंगा। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, और किसी को भी वीडियो इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए पपीता से तो वो हमसे जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद बहुत।